ഗീത കൃഷ്ണൻ്റെ നിലയ്ക്ക്, ത്രിപ്പിട്ടക് ബുദ്ധിജിൻ്റെ നിലയ്ക്ക്, ബൈബിൾ യേശു മസീഹിൻ്റെ നിലയ്ക്ക്, മുഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ ഖുറാൻ നിലയ്ക്ക്, ഏതോ സഭ്യ പഠനികെ ശിക്ഷിത് തെ ഇലിറ്ററേറ്റ് തെ ഈ കാത്തി ലിഖത്തെ തുയേ ജ്ഞാൻ ദിവ്യലോക് സെൻകു പ്രാപ്ത ഹുവാ. ये दिव्य लोक से ज्ञान है, दिव्य लोक एक परमात्मा से आए, तो सारी किताबें एक परमात्मा की है. हम लोग इन पर झगड़ा करते हैं, अरे तुम्हारी अल्लाह बड़ा है कि भगवान मेरा बड़ा है. अल्लाह भगवान तो नाम हमने रखे. इस सृष्टि में जब लोग आए, उन्होंने देखा कोई ना कोई बड़ी शक्ति है, तो उन्होंने अंग्रेजी जानने वालों ने उसका नाम गॉड रख लिया, हिंदी जानने वालों ने नाम परमात्मा ईश्वर रख लिया, अरबी जानने वालों ने उसका नाम रब या रब्बुल आलमीन रख लिया, उर्दू जानने वालों ने उसका नाम खुदा या अल्लाह रख लिया. अब इसी तरह जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, लाखों लाखों भाषाएं, हर भाषा में उसका एक अलग नाम है. एक नाम नहीं है, क्योंकि वो एक नाम ही नहीं है कोई. उसके नाम तो तब हो जब उसका कोई जन्म हो, और जन्म हो तो जब माता पिता होते हैं तो नाम रखते हैं. जब जन्म ही नहीं हुआ, उसको कोई माता पिता नहीं है, तो उसका नाम कौन रखेगा. इसलिए कोई उसका नाम नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है, उसको हमें पहचानना है. उस शक्ति को ही पहचानने के लिए हमारा जन्म हुआ है. और ये जो सारी किताबें, ये तो जैसे रामायण कहती है कि जब जब हो ये धर्म की आनी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर एक कृपा निधि सज्जन पीरा. तो ये युग युग में आते हैं, ये प्रोग्रेसिवली रिवील करता है परमात्मा. गॉड रिवील्स हिज वर्ड्स प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम थ्रू ए सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर्स एंड देयर टीचिंग्स आर टेलर्ड टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एजेस and places of their appearance. जिस युग में परमात्मा के अवतार परमात्मा भेजता है, उस युग में और उस स्थान पर जहाँ पर अवतार आता है, उस स्थान की जो बड़ी समस्या होती है, उस समस्या के निदान के लिए वो एक दिव्य पुस्तक देते हैं. उस अवतार के माध्यम से उसका वो उसके ज्ञान का प्रचार करते हैं, उससे वहीं से ये सारा ज्ञान सारे संसार में फैल जाता है, इसका ट्रांसलेशन हो जाता है. ये जितनी भी किताबें दो दो से भाषाओं में, तीन तीन सौ भाषाओं में ये ट्रांसलेट हो चुकी हैं, गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, ये ट्रांसलेट होकर सारे दुनिया में फैल गई. तो कहीं ना कहीं अवतार का जन्म तो एक जगह पर होता है. अब आप देखिए गीता को लेकर, तो गीता का ज्ञान तो यहाँ दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की तरफ से आ रहा है और अर्जुन को मिला है. लेकिन गीता कहाँ लिखी गई? गीता लिखी गई एवरेस्ट की चोटी पर. किसने लिखी? महर्षि व्यास जी ने. वो तो साधना में बैठे हुए थे, साधना में बैठे थे, मेडिटेशन में. और जब उनके मेडिटेशन भंग हो गया, जब देखा कि परमात्मा के कोई उत्तर आ रहे हैं, धरती का प्राणी प्रश्न कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया, लिपिबद्ध करना, और गीता तैयार हो गई. तो गीता महर्षि व्यास जी ने लिखी है. अर्जुन का और भगवान का संवाद हुआ है. आप पूरी गीता में देखें, कहीं कृष्ण का नाम नहीं है ऊपर से नीचे तक. ये भगवत गीता है, भगवान की गीता है. और इसमें क्या है कि भगवानोवाच या अर्जुनोवाच, कहीं कृष्णोवाच नहीं है. अर्जुन ने ऐसा कहा, फिर कृष्ण ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं है. भगवानोवाच है. फिर कृष्ण क्या है? कृष्ण एक बांसुरी की तरह पवित्र आत्मा थे. वो बांसुरी बजाते भी थे. उनका सिंबॉलिक था ये कि वो एक बांसुरी थे. परमात्मा का संदेश, परमात्मा गीत गा रहा है, उस गीत को सुनने वाला अर्जुन है, और ये बांसुरी जिससे आ रही है वो कृष्ण की पवित्र आत्मा थी. तो ये जो अवतार हैं, ये हमारे गुरु हैं. कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन्हें गोविंद दियो बता. ये उस गोविंद का पता बताते हैं, जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है, जो आदि है अंत है, जिसका कोई न आदि है न अंत है, जिसके वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उसका पता बताते हैं. ये हमारे गुरु हैं, ये असली गुरु हैं. ये हमारे ये जो कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, ये यीशु मसीह हैं, ये जो ज्ञान आया है, ये हमारे गुरु हैं. और किसका ज्ञान बताते हैं? उस परमात्मा का जो कण कण में व्याप्त है, जो हमारी आत्मा में रहता है. उसकी क्या क्या बताते हैं? उसकी शिक्षाएँ, उसकी जो शिक्षाएँ हैं, इनको जानना ही प्रभु को जानना है, और कोई जानना नहीं है. परमात्मा को जानने के माने परमात्मा की शिक्षाओं को जानना, और परमात्मा की पूजा के माने क्या है? उन पर चलना. हमारे स्कूल की प्रेयर यही कहती है, आई बियर विटनेस टू माई गॉड दैट वाज क्रिएटेड मी फॉर टू थिंग्स, टू नो दी एंड टू वर्शिप दी. मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमेश्वर, कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूँ और तेरी पूजा करूँ. तुझे जानने के माने तेरी शिक्षाओं को जानूँ, इन किताबों में जो तूने ज्ञान दिया, और तेरी पूजा करूँ, अर्थात उन शिक्षाओं पर चलूँ. और कोई पूजा नहीं है, बाकी तो रिचुअल्स हैं.
लोग रिचुअल्स को पूजा कहने लगते हैं, रिचुअल्स करते हैं और कर्मकांड करते हो कहते पूजा कर रहे हैं साहब। कहाँ बैठे हैं साहब? भाई साहब पूजा में बैठे हुए। वो पूजा वूजा कुछ नहीं है, पूजा केवल एक है, प्रभु की आज्ञाओं को जानकर उन पर चलना, उस पर काम करना। अर्जुन ने जो युद्ध किया वो थी पूजा। अब युद्ध न करता कृष्ण की बात को मानकर और वो पूजा करने लगता, आरती कृष्ण जी की मैं आरती करता हूँ। भैया ये आरती करने से पूजा नहीं होती, पूजा वो है जो काम हम करते हैं, जो खुदा ने हमसे, अल्लाह ने, परमात्मा ने जो हमें हुक्म दिए इन किताबों में, वो काम हमको करना है। तो ये जो काम करना है ये बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे गीता में तो कहा है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म, और त्रिपिटक में कहा है कि जाति पाति गलत, और यीशु मसीह ने कहा कि करुणा का सागर बहा दिया। मोहम्मद साहब ने पहली जो आयत है कुरान की उसमें लिखा है खुदा रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुसलमीन नहीं है, मुसलमानों का नहीं रब है, वो तो आलमीन का रब है, इस धरती का रब है, इस सृष्टि को बनाने वाला है, सारे संसार को बनाने वाला एक अल्लाह है, एक खुदा है, सारी दुनिया के इंसान एक खुदा के बंदे हैं। तो ये जो तालीम है ये भाईचारे की है, कुरान शरीफ कहीं भी उसमें नफरत की जगह नहीं है, सारे दुनिया में भाईचारा हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, तो ये तालीम दी गई है। और गुरु ग्रंथ साहब में देखें तो लिखा है कब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। एक परमात्मा से ये सारा जग उत्पन्न हुआ है, किसी को भला बुरा मत कहो। और नानक नाम चढ़ते कला कब, जब तेरे भाने सर्वत्र दा भला। नानक का नाम तुझे ईश्वर को ले जाने का मार्ग तो है, लेकिन शर्त है जब तू सारी सृष्टि की भलाई करेगा तब, सारी सृष्टि के लिए त्याग करेगा तब। तो नानक नाम चढ़ते कला कब, जब तेरे भाने सर्वत्र दा भला, सबका भला करेगा तब। तो प्रिय मित्रों हमें अपने बच्चों को यही सीख देनी है ताकि हमारे बच्चे, इनकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, मेटेरियल एजुकेशन उच्च कोटि की हो। हमारी कोशिश है हमारे बच्चों को डिसीजन मेकिंग ग्लोबल कैरियर्स के लिए हम तैयार करते हैं, डिसीजन मेकिंग ग्लोबल प्रोफेशंस के लिए तैयार करते हैं, डिसीजन मेकिंग ग्लोबल पोजीशन के लिए हम उनके माइंड को तैयार कर रहे हैं। हमारे बच्चे चीफ जस्टिसों से ऐसे बातचीत करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे, कभी आप चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो देखेंगे चीफ जस्टिस हमारे बच्चे मिलजुल के एक दूसरे से बहस करते हैं खूब जम के, उनसे प्रश्न पूछते हैं, जब वो नहीं उत्तर दे पाते तो हमारे बच्चे उत्तर देते हैं। तो इतने बड़ी बड़ी हस्तियों से ये बच्चे मिलते हैं, उनके मस्तिष्क हम सारे दुनिया में बच्चों को भेज रहे हैं, सारे दुनिया के बच्चे हमारे आ रहे हैं, तो हम बच्चों को एक ग्लोबल माइंडेड सिटीजन बना रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर ए डिसीजन मेकिंग ग्लोबल कैरियर। उनके पैन में इतनी ताकत आ जाए एक दस्तक से सारे लोग का कल्याण हो, इतनी ताकत वो बने। तो एक और हम मेटेरियल एजुकेशन में हम चाहते हैं कि नोबेल लॉरियट्स बने वो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जिस सब्जेक्ट में योग्य हो, इतने पढ़ लिख के हो भौतिक ज्ञान में। लेकिन दूसरी ओर ये भी ज़रूरी है कि सामाजिक ज्ञान उनमें आए, समाज के प्रति उत्तरदायी बने, जो सब इन किताबों में लिखा हुआ है। समाज को एक दिन दुनिया एक करूँगा, धरती स्वर्ग बनाऊँगा और विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा, ये भावना बच्चों में डालिए। क्योंकि सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। तो ये बच्चों के अंदर भावना डालने की आज ज़रूरत है। वसुधा कुटुंब है और यही हमारा संविधान कहता है, अनुच्छेद 51, जिस पर हम चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस करते हैं। और इसमें यह है कि देखिए ये बल्ब है, पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई, तार टूट गया तो अंधेरा आ गया। यहाँ एक बालक है, यहाँ एक बालक है, इस बालक को हमने परमात्मा के इस दिव्यलोक से जोड़ दिया, जहाँ से सारी किताबें आई हैं उस दिव्यलोक से जोड़ दिया। तो क्या बनेगा बालक? रैशनल, विचारवान। और क्या बनेगा? वाइज, बुद्धिमान। और क्या बनेगा? गॉडली, ईश्वरीय। और क्या बनेगा? गुड, अच्छा इंसान। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी पर्सन। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी मैनेजर। और क्या बनेगा? लाइक ए डिवाइन एंजल, ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और कहीं तार टूट जाए, खाली हिंदू बन जाए, सिख बन जाए, तो क्या हो सकता है जो दिल्ली में हुआ? हिंदू या सिख बन गए तो क्या हुआ, कैसा बन सकता है? वन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द एंटायर नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम ऑफ गॉड्स रिवील्ड वर्ड्स, ए चाइल्ड में बिकम इरेशनल, अनवाइज, अनगॉडली, बैड, टोटली मिसगाइडेड पर्सन, TMP, टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, लाइक एन एनिमल, ए बैड ह्यूमन बींग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। इनका गुरु है बार्किंग डॉग, ये एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, शिया और सुन्नी,
प्रोटेस्टेंट कैथोलिक निरंकारी अकाली सब एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, गालियां बक रहे हैं कुत्तों की तरह। तो ये जो आज हमारी एजुकेशन है वो ये सिखा रही है। तो हमें क्या सिखाना है कि देखो ये जो एक बालक है, ए चाइल्ड इज द होप एंड द प्रॉमिस इज द फ्यूचर। एक बालक हमारी होप और प्रॉमिस इज द फ्यूचर, कल का भविष्य क्या होगा इस बच्चे के मस्तिष्क में, आज हम कौन से विचारों का बीजारोपण कर रहे हैं। ए वन चाइल्ड इज मेड ए टोटल क्वालिटी पर्सन TQP, he can change the world and unite it. One day I will unite the world with the balanced education of all the three realities of life, that is material, human and divine. भौतिक ज्ञान भी चाहिए उच्च कोटि का, ह्यूमन नॉलेज भी चाहिए मानव जाति की सेवा करने का भावना, और डिवाइन नॉलेज उसमें चाहिए। ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है, ये सारे सृष्टि को बनाने वाला एक परमेश्वर है, और ये सारे अवतार एक परमात्मा से आए। सबके प्रति श्रद्धा, सबके प्रति सम्मान की भावना अपने बच्चों में पैदा कीजिए। और इसमें यही है, नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन चेंजेस द पीपल एंड पीपल चेंज द वर्ल्ड। और विक्टर ह्यूगो ने कहा था, देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मी इन द वर्ल्ड एंड दैट इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। व्हाट इज दैट आइडिया? बैलेंस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल द थ्री रियलिटीज ऑफ लाइफ, that is material, human, divine, is the idea whose time has come. Gandhi ji ne kaha tha, if we are to teach the real peace and divinity in this world, if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children. Yani hame is duniya ko sundar banana hai, isme hame divinity chahiye aur peace chahiye, to uski shuruaat bachchon se karni hogi. To safeguard the future of world's over 2.5 billion children and the generations yet to be born, whose future has become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades since the outbreak of the Second World War and bombing of the Hiroshima and Nagasaki, and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition, and ever increasing debt, expenditure of military research and manufacture of and stockpiling of deadliest weapons of mass destruction, a fear of a third world war and a nuclear holocaust. Let us therefore establish a legally constituted world parliament, a world government, a world court of justice, one economic order of the world, one world currency, weights and measures, a world system of education, a world language to be taught along with mother tongue and the national tongue, equality of men and women, and equality of science and religion, harmony of science and religion, and teach our children that source of all the religion is one God. She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. Her love that still remains, her love.
was love. Like a mother's love. To strengthen the link between school and parents, City Montessori School offers numerous opportunities for the involvement of parents in their children's education. Welcome to Open Day Spectacular Celebration of CMS Rajajipuram Campus 1. Principal of the campus, Mrs. Nisha Pandey, welcomed the founder manager of City Montessori School, Dr. Jagdish Gandhi, President and Chief Operating Officer, CMS, Professor Geeta Gandhi Kington, Director of Strategy, CMS, Mr. Roshan Farooqi. A nice sunny winter morning when the huge campus was thrown open for parents and families of its students to visit creatively decorated classrooms of the pre-primary section. The grounds were dotted with multicultural activity, giving a glimpse of art and craft of Lucknow, students' performances, and culinary delights galore.
Enjoy this lovely afternoon through this program that brings to spotlight CMS educational endeavors in preparing a future generation by way of meaningful education, spiritual direction, guidance and leadership to its students, their parents, and society in general. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।